बेटे आज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज वो होती हैं जो बिजली बनाने के काम में, उसके ट्रांसमिशन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होती है। बिजली बनाने का मतलब होता है बिजली पैदा करना, ट्रांसमिशन होता है बड़े बड़े खंभों से बिजली को भेजना। तो फिर आप ट्रेन में अगर घूमने जाएंगे ना, जैसे खेतों में से निकलेंगे मतलब थोड़ा खुले एरिया से, तो आप ध्यान से फील्ड्स में देखोगे ना तो बड़े बड़े खंभे लगे होंगे, आदमी जैसे लगते हैं, वो बड़े राक्षस जैसे, उसमें तारे जा रहे होते हैं, वो ट्रांसमिशन की लाइन्स होती है। मतलब जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ से वो शहरों में पहुँचाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। जब शहरों में वो पहुँच जाती है उसका फिर वितरण होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारा ये पावर हाउस है, हर जगह देखोगे कोई ना कोई हर लोकेलिटी में जगह होगी जिसको सब बोलते हैं पावर हाउस। तो वहाँ पर बिजली आ जाती है ट्रांसमिशन प्लांट से और फिर वहाँ से वो क्या होती है उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के काम में तीन तरह की कंपनी आ जाती है बेटा, कौन कौन सी? एक प्रोडक्शन वाली, जनरेशन कह दीजिए, या ज़्यादा अच्छा नाम क्या हो जाता है, जनरेशन, ठीक। दो ट्रांसमिशन, और तीन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तीन तरह के काम इसके अंदर इन्वॉल्व। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिएगा। तो वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू 100। हर अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग रेट है। अगर हम बात करें लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वाली आइटम, फ्री होल्ड लैंड के ऊपर तो जीरो रेट है, लीज होल्ड लैंड हो, बिल्डिंग हो, रेलवे साइडिंग हो, सबके ऊपर 3.34 का रेट। और जो प्लांट एंड मशीनरी है और व्हीकल्स है सब पे 5.28% का रेट। जो आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गए, फर्नीचर फिटिंग हो गए, उन सब पे 6.33% का रेट। तो इससे आप हर चीज का अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल कर टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, उसको टोटल वैल्यू ऑफ एसेट से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे तो आपका वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी एसेट्स दिए यहां पर, सब एसेट्स के नाम है, फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग, रेलवे साइडिंग। अगर इसकी हम बात करें तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? और फ्री होल्ड लैंड पर ले, ठीक है ना, फ्री होल्ड लैंड पे ले लें और बाकी जितनी भी हमारी एसेट्स रिलेटेड आइटम्स है उस पर कितना है? 3.34। इन सब पर जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है 5.28%, इन दोनों पर 6.33%, और व्हीकल पर 5.28%। एक बार ये आपने डेप्रिसिएशन के रेट पता होने चाहिए, उसके बाद बड़ा आसान है करना, इसको मैं करके दिखाता हूं। इस तरह का आप एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें पहले लैंड एंड रिलेटेड आइटम आ जाएंगी, फिर प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, फिर फर्नीचर फिक्स्चर्स फिटिंग्स आ जाएगी, और लास्ट में व्हीकल्स।
तो जो जो एसेट दे रखे हो उसका नाम लिखते जाइए। आइए पहले उसका नाम लिखते हैं, फ्री होल्ड है लैंड, लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग, रेलवे साइड। फ्री होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग, रेलवे साइड। बच्चे देख रहे हैं बहुत आसान है क्वेश्चन, 4 या 6 नंबर का आ सकता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका 0 होता है, इसका 3.34%, 3.34%, 3.34%, राइट। इनकी वैल्यू क्या, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, राइट। अब अगली आइटम्स हैं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, स्टीम स्टेशन, स्विच गियर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर वाला, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक। यहां तक पहुंच गया। अब इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड अपैरेटस, फर्नीचर, फिक्स्चर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड अपैरेटस, फिर क्या, फर्नीचर, फिक्स्चर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्स्चर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक लगा। सबका नाम लिखते जाना। और लास्ट में है व्हीकल्स। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे आ जाइए, क्या लगेंगे, प्लांट एंड वाली पे तो 5.28%, इस पे भी 5.28%, इस पे भी 5.28%, इस पे भी 5.28%, इस पर 6.33, किस पर, फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और फर्नीचर पे, और व्हीकल्स पे भी 5.28%। ये रेट्स आपको याद होनी चाहिए, राइट। अब वैल्यूज पे आ जाओ, यहां से लेनी है 2, 8, 6, 3 लिख लेते पहले, 2 लाख, 8 लाख, 6 लाख। उसके बाद जो वैल्यूज आई देख लें एक बार, 4.5, 3, 1.5 और 2, 4, 3, 1.5 और 2, कैसा लगा भाई, क्लियर। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे, देखते जाएंगे। पहले की 0 है, फिर है 5 लाख का 3.34%, 16,700, फिर है 4 लाख का 3.34%, 13,360, फिर है 3 लाख का 3.34%,
10,020, फिर है 2 लाख का 5.28%, 10,560, फिर है बेटे 8 लाख का 5.28%, 42,240, फिर है बेटा 6 लाख का 5.28%, 31,680, फिर है बेटा 4.5 लाख का 5.28%। आप भी देख लीजिएगा वैल्यूज में गड़बड़ ना हो, 23,760, फिर है 3 लाख का 6.33%, 18,990, फिर है 1.5 लाख का 6.33%, 9,495, फिर है 2 लाख का 5.28%, 10,560। देखना टोटल डेप्रिसिएशन क्या है, कितना, 1,187,365। चेक कर लीजिए, यही है आपका मैडम आपका। और टोटल एसेट्स की वैल्यू 45 लैक्स। तो अब एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 1,87,365 डिवाइडेड बाय 45 लैक्स इंटू 100। क्या आ रहा है, 1,87,365 डिवाइड बाय 45 लैक्स परसेंटेज, 4.1637% आ। तो ये हो गया वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक क्वेश्चन बेटे इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ सकता है, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, जिसके लिए आपको 3 रेट याद रखने हैं, इधर 4 कह लीजिए, फ्रीहोल्ड लैंड का 0, बाकी लैंड बिल्डिंग रिलेटेड जो आइटम्स हैं उन सबका 3.34%, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड आइटम्स है 5.28, व्हीकल्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आता है, और जो बाकी है जैसे फर्नीचर जिनकी लाइफ और कम होती है, फर्नीचर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस वगैरह हो गए, फिटिंग्स हो गई, सब चीज़ें, उनका जो है 6.33%। टोटल डेप्रिसिएशन को टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आपका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पूरा क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये था हमारा क्वेश्चन, आपने लिख लिया था क्वेश्चन, ठीक है ना, और रेट्स मैंने पहले बता दिए थे, और इस क्वेश्चन का ये सिंपल मैंने प्रॉपर सुंदर सा चार्ट बना के कर दिए, आप भी ऐसे कर लीजिए, राइट। बेटा इस टॉपिक में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो करा दिया आपको डेप्रिसिएशन, वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, जब हर एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा वो फॉलो कर, कभी कभी ना पूरे जैसे आपने पूरा प्लांट लगाया उसका डेप्रिसिएशन निकालना, तो उसका एक अलग तरीका निकाल लेगा, उसका निकालने का तरीका क्या है ध्यान से सुने, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, पर पहले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आराम से आपको आम भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में इमेज बैठ जाए। पहली बात, हम एसेट की लाइफ मान के चलते 35 साल, और डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्लांट जैसे कोई प्लांट लगाया तो उसकी लाइफ हम कितनी मान लेते हैं, 35 साल, तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखिए जैसे हमने प्लांट लगाया 100 लाख का, इजी करो कैलकुलेशन, थोड़ी सी इजी करो, है ऐसे तो इजी क्या होनी है, 270 लाख का, 140 लाख का प्लांट है, राइट। तो पहले साल हम डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसको 35 से डिवाइड करो,
करिए 35 इयर्स लाइफ मान लो, 140 डिवाइड बाय 35, चार, कोई डाउट? अब एसेट की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या रहेगी 136। अगले साल अगर कोई एडिशन हुई है तो ऐड कर लो, मान लो 14 की एडिशन होगी, ये अब कितना हो गया 150। तो अगले साल इसको 34 से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल। नहीं समझे आप? लॉजिक समझ में आ गया, फंडा समझ में आ गया? यानी 150 डिवाइड बाय 34 क्या हो जाएगा, 4.4। समझ आ गया आपको? देखें इसको माइनस कर दो, ये सेकंड ईयर का होगा, ठीक लगा, 145.59। अगले साल मान लो फिर आपने एग्जाम्पल के लिए 2.41 की एसेट ऐड करिए, तो ये कितना हो गया 148। अब लाइफ कितनी रह गई है? हाँ बस समझ गए ना आप, तो उस तरीके से करें। पर ये तो मैंने बड़ा प्यारा सिंपल सा तरीका सिखाया ना आपको। अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं चार्ट से सिखाऊंगा, आप भी वही चार्ट फॉलो करना क्योंकि वही थोड़ा प्रिस्क्राइब है। सदा कोई चीज समझते हैं ना उसका स्टाइल होता है, पहले थीम समझो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, फिर जैसे उसने कहा वैसे। अब मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया, एक्चुअली में जो डेप्रिसिएशन पे लगाते हैं ना सीधा इस पे नहीं लगाते, जैसे मैंने ये बताया 150 पे लगाएंगे, ऐसा नहीं है, 150 और 136 की एवरेज पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? एवरेज। मैंने तो 150 पे लगा दिया था ना जस्ट समझाने के लिए। अभी मेरा एक्चुअली आपके ऊपर उद्देश्य बताने का ये था कि हम बची हुई लाइफ से डिवाइड करके ईयरली डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब मैं उसको प्रॉपर करके दिखाऊंगा करते कैसे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, ये बात समझ में आ गई ना? हमने डेप्रिसिएशन 150 पे निकाला है, 150 में नहीं निकालते, 150 और 136 के एवरेज पे निकाला, फिर उसको 150 में से माइनस कर। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हमने यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं किया। यहाँ पे मेरा उद्देश्य केवल एक ही था, क्या? आपको ये समझाना कि जो डेप्रिसिएशन है वो डिवाइड करते जाते हैं जितने साल लाइफ रह जाती है उस। अगर आपको एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन पता क्या होगा, साइड पे निकाल के निकाल, अगर आपको एग्जैक्ट निकालना, इसका एवरेज लो क्या आएगा, 136 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, फिर इसको 34 से डिवाइड, ये आ रहा कितना आ रहा है 4.2 21 का। तो अब ये कितना रह जाएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस, 140 45.79। समझ गए आप? तो इस साल अगर इस साल भी कुछ एडिशन है, फिर एवरेज लो, मान लो इस साल आपके एडिशन क्या है 1.21 की है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 147, फिर आप इन दोनों का एवरेज ले लो 145.79 प्लस 147 डिवाइड बाय 2, और अब इस सारे को किससे डिवाइड कर दोगे 36। तो अब मैंने बिल्कुल प्रिसाइज निकाल के बता दिया 4.5। तो गेम समझ में आ गई? एक्चुअली मेरा उद्देश्य समझाने का है कि डेप्रिसिएशन जो है बची हुई लाइफ से डिवाइड कर देते हैं बची हुई वैल्यू, पर बची हुई वैल्यू कौन सी रहते हैं एवरेज। तो अब इस क्वेश्चन से करते हैं, आपको मजा आता। अब ये हमारा काम कंप्लीट हुआ था 1195, तो इसका मतलब पहला साल हमारा रहा होगा 95-96, और वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन आप निकालिए 2010, 2011, 2012। तो ध्यान से देखा जाए तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी, जरा पहले एक बड़ी आइडिया ले लें, रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी यहां पर, 20 साल नहीं रहेगी, 19 साल नहीं रह जाएगी, 18 साल नहीं रह जाएगी। जरा हिसाब लगा के देखो, 95-96 पहला साल था ना, मैं गिन के दिखा देता हूँ, 15 साल बीत चुके हैं। 95-96 मैं पहला नंबर बोलूंगा, बाद दूसरा नहीं, ठीक है, 95 पहला साल, 95-96 में 95 बोल रहा हूँ, 1195, इसको आप 14 ही ले, गलती से 14, चले Thank you.
15 साल बीत गए थे, लगाओ ऐसा। पहला साल 95, 96, 97, 98, 99, 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपके 15 साल बीत। तो लाइफ कितनी मान के चल रही है? 35। तो यानी जो 2010 2011 का डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैसे लगेगा? 20 से डिवाइड होगा। और फिर जब 2011 2012 में जाएंगे 19 से डिवाइड, एक साल और बीत जाएगा। और फिर जब 2012 2013 में जाएंगे 18। ये बात समझ में आ गई आपको? अब जो करने का तरीका क्या है, मैं आराम आराम से करूंगा। इसने हमें इस बिगिनिंग की वैल्यू दे दी, ओपनिंग वैल्यू, और इस साल कोई भी एडिशन नहीं, जो एडिशन है वो अगले साल। तो 332.54 पहला साल, आप ध्यान ध्यान से देखें, पहले साल की बिगिनिंग की है 332.54। कोई डाउट? ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, अभी लिखे मत, पहले समझो प्लीज। तो पहले साल के में कोई एडिशन है नहीं, तो पहले साल के एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 332.54। अब इसकी एवरेज कॉस्ट निकाल लो कैपिटल की, 332.54 डिवाइड बाय, सॉरी दोनों सेम ही है तो प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो वो क्या रहेगी? 332.54 ही रहेगी, सेम वैल्यू है ना, समझ आ गया। अच्छा, अगर इसमें वैल्यू ऑफ लैंड होती है तो उसको हम अलग कर दो, वैल्यू ऑफ लैंड को अलग कर दो, वो इसमें है ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। तो फिर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 332.5। अब हम पूरी वैल्यू में डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम 90% को डेप्रिशिएट करते, ले तो लिया एवरेज। ये दोनों फिगर सेम है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही आ जाएगा ना, ओपनिंग, वही मैं आपसे कह रहा था ना, डिवाइड बाय 2 कर दिए ना, ये बेटा आपका ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। अच्छा लग रहा होगा आपको? अच्छा, पूरी वैल्यू को डेप्रिशिएट नहीं करते, कितने को करते हैं? 90। मैंने कहा था कि जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था वो सिंपल एग्जाम्पल था, ये समझाने के लिए था थीम, पूरा समझाता तो फिर कंफ्यूज हो जाते। अभी पूरा मैंने प्रॉपर चार्ट बनाया और इसको 3 बार करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अच्छा लग रहा है? तो 332.54 का 90% देख लो क्या हो जाएगा, 299.29 कर दो ना, ठीक। हाँ, ये नियम है, वो कहते हैं 10% को छोड़ दो, 90% डेप्रिसिएशन, दिक्कत क्या है? दिक्कत है कोई? आपने में से ये तो पूछा नहीं कि इनकम टैक्स किस इनकम से लगता है, कितनी माफ है इनकम टैक्स में मालूम है? क्यों है स्लैब? आदमी क्यों का जवाब दे सकता है? बेटे आपका नाम क्या है, क्यों है बेटा? जो हर क्यों का जवाब नहीं होता, वो हम अपनी तसल्ली के लिए उसको समझ सकते। अब ये कह सकते मेरी मम्मी ने रखा था इसलिए दिव्या नाम, मम्मी ने क्यों रखा था उसके आगे भी क्यों लिख सकते। अगर आप क्यों पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओ। आप ये बस सोच सकते हो तसल्ली के लिए कि भाई हम मानते हैं 100% ऐसे डेप्रिशिएट नहीं होती, 10% तो उसकी वैल्यू बची जाए, इसलिए वो 90%। अब आपको भी 90 क्यों लेते हैं, 70 क्यों नहीं लेते, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का, 100 भी दे सकते थे। तो जहां पर रूल्स होते हैं ना, समझदारी क्या होती है, वहां पर रूल लगाओ, और जहां दिमाग लगाना होता है वहां क्या लगाओ? दिमाग। अब दिमाग दो जगह लगाना था, मैंने बता दिया, एक कि डेप्रिसिएशन वाला तरीका समझा दिया कि हम क्या करते हैं, वैल्यू को बची हुई लाइफ के हिसाब से लगा, वहां लॉजिक बताया था। अब इन 90% लगाना है इस पे छोड़ो, अब 35 ईयर्स ही क्यों लाइफ ली है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ। इस पे आप ध्यान लगाओ रूल क्या है, रेदर देन क्या ध्यान लगाओ रूल क्या? आपको अच्छा लग रहा है मेरी बात है ना, क्योंकि ऐसे आप सोचने लगे तो बहुत सारे सवाल आते जाएंगे दिमाग में, 35 ही क्यों लिया, 40 क्यों नहीं लिया, 50 क्यों नहीं लिया, तो बड़ा को है। ये होता है कमेटियां बैठती है मिलकर डिसाइड करते हैं, जो फिर सहमति से तय हो जाता है वो फॉलो। चलो आगे। अच्छा, पुराना डेप्रिसिएशन तो लगा पड़ा होगा, वो क्वेश्चन में दे रखा है जो पिछले साल बीत चुके, वो यहां बता रहा है कि 2008 2009 तक इतना डेप्रिसिएशन लगाया था और 2009 2010 में इतना लगाया, तो 144.14 और 9.54,
144.14 और 9.24, ठीक है राइट। अब तो टोटल ये मिला के कितना रिकवर हो चुका अब तक, कितना रिकवर हो चुका अब तक, वन फिफ्टी 3.68 कितना रिकवर हो चुका, ठीक। तो अब हमारी जो डेप्रिसिएशन टोटल हमने इतना लगाना, उसमें से इतना रिकवर हो चुका है, ऑलरेडी लगा चुके हैं ना, रिकवर मतलब लगा चुके हैं, तो बाकी डेप्रिसिएशन के लिए वैल्यू कितनी बची है, 145.61 राइट। वो तो मैंने एग्जांपल पहले दिया था, वो बस वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जस्ट आपको एक समझाने के लिए, रफ आइडिया देने के लिए था, फिर बीच में मैंने बताया था एवरेज भी देते हैं, वो सब रफ आइडिया के लिए था, उसको आप इग्नोर कर दो, वो जस्ट समझाने के लिए था कि हम बची हुई पीरियड पे डेप्रिसिएशन लगा, सही जो सिस्टम है वो ये। अब बैलेंस ऑफ यूजफुल लाइफ कितनी बची, कितनी बची, 20 ईयर्स। 20 क्यों, क्योंकि मैंने यहां निकलवाई दिया था आपका, 15 साल बीत चुके यहां से लेकर 2009-2010 तक, 15 ईयर्स आपके निकल चुके, ठीक। अब ये जो बच गया उसको आप 20 साल में डिवाइड कर दो, करना 7.28, ये डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक। और इस साल के एंड तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना रिकवर हो चुका है, पहले तो इतना हो चुका था, आपने अब इतना और लगा दिया, तो 153.68 प्लस 7.28 160.80। जो मैंने एग्जांपल दी तो सिंप्लीफाइड था, ये प्रॉपर तरीका है। अब आगे समझ आपको, श्योर। अब अगले साल का निकालते, उससे रिवीजन हो जाएगी। अब जो इस साल की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो अगले साल की ओपनिंग वैल्यू नहीं हो जाएगी, बताओ बताओ। और इस साल को एडिशन है, बिल्कुल है जी, 1.44 है, तो 1.44 इसमें ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, 3.98। अब इन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज ले लो, क्या आएगा, 3.98 प्लस 2.54 डिवाइड बाय 2, 333.26। वैल्यू ऑफ लैंड 0 है, 333.26। और कितना डेप्रिशिएट करोगे इसका, 90%, 299.93। अब ये वाली वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, इस साल से आप टोटल कितना रिकवर कर चुके हो, 160.80। नहीं ये वाला नहीं है, ये नीचे आए, इधर आए, 9th आइटम, ये बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी, ये बैलेंस रिकवर्ड अप टू प्रीवियस, नहीं यही आएगा, मैंने यही लिखा था ना, 160.90, क्या चीज, ये वाला गलत कर दिया था, 0.88 नहीं है, पहले क्यों नहीं बताया, चेक कर लो, 153 पॉइंट को ऐड करो, 153.68 प्लस 7.28, 160.96 है, ये यार है, 160.96। अब यहां आ जाएगा 160.96, हाँ कि ना, कितना हम रिकवर कर चुके, कितने में से रिकवर कर चुके, 299.93 में से, तो बच कितना गया, 138.97। क्लियर, इस 4 में से
ये वाला 7 माइनस कर। अब जीवन काल कितना रह गया 19 साल। अब इस फिगर को 19 से डिवाइड करो 7.31। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है 7.31 प्लस 160.96 168.27। कैसा लगा बेटा? थोड़ा सा गंदा और बोरिंग है ना, पर समझ तो आ गया ना। अब जो इस बार का क्लोजिंग है वो अगली बार का ओपनिंग हो जाएगा। अगली बार कोई एडिशन है 12.22 की, तो 12.22 इसमें ऐड कर दो, देखो क्या आता है 333.98 प्लस 12.22 346.2। अब इसको एवरेज कर दो क्या आता है 340.09। लैंड की वैल्यू तो है ही नहीं, 340.09। अब इसका कितना प्रोवाइड करोगे 90%, कितना आता है 306.08। और पिछले साल के एंड तक हम कितना रिकवर कर चुके हैं 168.27 है ना। अब इसमें से 168.27 घटा दो कितना बचता है 137.81। अब उम्र कितनी बच गई 18, इसको 18 से डिवाइड कर दो कितना आता है 7.66 आ जाएगा राउंड। तो अब 7.66 प्लस कितना लगा चुके हो 168.27, कितना हो गया आपका 175.93। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, फिर बोल रहा हूं, मैंने तब भी बोला था कि वो जस्ट आइडिया देने के लिए, दो आइडिया देने के लिए था। एक तो ईयरली डेप्रिसिएशन क्या करोगे, बचे हुए पीरियड पे राइट ऑफ करोगे, रिपीट, और जो एसेट की वैल्यू निकालोगे वहां पे 90%। वो सब चलो चर्चा नहीं की थी, आइडिया था। अब यहां अब पूरा समझिए, पहली बार हर साल आपको एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, एवरेज वाली, वो क्या होगी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय उस एवरेज कॉस्ट का 90% आप टोटल डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, ये मान के चले आपकी बात का जवाब है, नियम है 90%। और 90% में से आप कितना डेप्रिसिएशन आज तक प्रोवाइड कर चुके हैं वो माइनस कर दीजिए, बचा हुआ डेप्रिसिएशन बची हुई लाइफ से डिवाइड करके ईयरली डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। देखो मेरी बातों पे ध्यान दो, वो क्लियर हो जाएगा। ये हो गई ओपनिंग वैल्यू, योगी ओपनिंग वैल्यू, योगी क्लोजिंग वैल्यू, योगी एवरेज। एवरेज का आप लैंड की वैल्यू निकालकर, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी का 90% टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड है। इसमें से आज तक जितना निकाल लिया लगा चुके वो माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन रह गया, बचे हुए को बची हुई लाइफ से डिवाइड कर ले, ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया। उस ईयरली को पिछले साल के डेप्रिसिएशन तक ऐड कर दे तो इस साल के एंड का डेप्रिसिएशन। मजा आया? तो अच्छा पता क्या होगा जब आप खुद अपने हाथ से फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद कराए तो फॉर्मेट। आप ये पूछ सकते हो पहले साल ये सब क्यों होता है, एक्चुअली ये नियम जो है ना ये रिसेंटली आया, तो नियम से पहले तो कुछ भी डेप्रिसिएशन लगा सकते थे, इसलिए उससे पहले वाले डेप्रिसिएशन के फिगर उसने दिए। आज से अगर आप कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे तो कोई समस्या है, ठीक। 2010-2011 से नियम चेंज हुआ था, उससे पहले वाले डेप्रिसिएशन उसने दे दिए, ठीक है। तो आपको डिटेल दे देगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। जिस साल की बात करेगा ना उस साल की आपको ओरिजिनल कॉस्ट देगा बिगिनिंग की, और उस साल के बिगिनिंग का डेप्रिसिएशन देगा, दो चीजें वो आपको देगा, आगे की गाड़ी आपको। तो आप पहले से फिर से सुन लीजिए, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट, एडिशन, क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट, एवरेज। एवरेज में से लैंड की वैल्यू घटा दीजिए, डेप्रिशिएबल एसेट्स है, डेप्रिशिएबल एसेट्स का 90% पॉइंट करना है, यहां तक याद। अब 90% में से जितना आज तक का लगा हुआ है वो क्वेश्चन आपको दे देगा स्टार्टिंग एरिया, वो वाला माइनस कर दोगे तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन
बची हुई लाइफ से डिवाइड करके उस साल का डेप्रिसिएशन लगा के निकाल कर उस साल का लास्ट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये वाला डेप्रिसिएशन देखा जाए तो ओपनिंग हो गया ना ये वाला, देखो 2 मिनट रहे, ये हो गया ओपनिंग, ये वाला हो गया ओपनिंग, ये वाला हो गया करंट ईयर, ओपनिंग प्लस करंट ईयर क्लोजिंग, जो इस बार का क्लोजिंग है वो अगली बार का ओपनिंग। नहीं समझ आएगा? तो ये सारा सिस्टम इसको कर, क्लियर लिखिए, अच्छा लगा, कॉपी कर दीजिए, खुद करो चार्ट को, बोर्ड से देखो, ब्लैंक फॉर्मेट बना लो ये वाला, खुद शुरू हो जाओ तो आपको पक्का हो जाएगा, अटकोगे ना, बार बार बोर्ड पे रेफर कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉपी मत करो, वीडियो से कर रहे हो तो वीडियो फ्रीज कर लो और अपने आप करो, फॉर्मेट बना लो, फ्रीज करके अपने आप फॉर्मेट बना लो। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप ट्राई करिए सेम फॉर्मेट से जो मैंने अभी सिखाया था, 5-7 मिनट लीजिए आराम से, अच्छे से इसको आप ट्राई करिए, देखिए आपसे होता है वैसा ही, ब्लैंक फॉर्मेट बनाकर इसको आप ट्राई करिए। हाँ जी बेटा, हो गया, दिखाया आंसर, एक साल तो हो गया होगा सबका, एक साल का चेक कर लो कम से कम, पहला गलत तो नहीं, फिर दूसरे कर लीजिएगा, देखिए पहला ठीक है सबका, क्योंकि पहला ही गलत हो गया तो सारे सारे गलत हो जाएंगे, पहला गलत हो गया, पहला देखिए ठीक है, पहला ही गलत हो गया तो सारे हो जाएंगे ना, एक एक करके, तीनों साल कर दिया आपने, तीनों ठीक है आपके, आपके भी तीनों ठीक है, कौन से वाला, नहीं एक्चुअली क्या है कि मैंने ना कंप्यूटर से कैलकुलेट करा ना, तो मेरा ज्यादा एक्यूरेट है, आप राउंडिंग करते हो ना तो आपकी राउंडिंग कम होती है, मेरी ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब
वो उतना चलेगा आपके लिए, इतना ही समझने का। कंप्यूटर जो है ना वो 2 डेसिमल दिखाता है, पर मेमोरी में उसके सारे डेसिमल होते हैं ना, इसलिए तो 0.01 का फर्क आपको नजर आ सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से, कोई चीज पूछनी है इसके अंदर? वही फॉर्मेट है, इसके मैंने धीरे धीरे करा दिया था। जब भी दिक्कत हो आप वो वाला पहले वाला क्वेश्चन देख लिया करें एक बार और उसके बाद इसको ट्राई कर लें, ठीक है? कि वीडियो तो मिल जाएगी ना आपको, तो जब भी दिक्कत हो तो पहले वाला क्वेश्चन का देख लीजिएगा फिर उसको ट्राई कर लीजिए। ये लीजिए आंसर देखिए, ठीक है सारे?